हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एना म्यूज़िक एंड रेसिपी व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो आज की मेरी रेसिपी है सेंगर फली की दाल, जो खट्टी दाल भी कह सकते हो या मसाले वाली दाल भी कह सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए तुअर दाल, मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी। सेंगर की फली चाहिए, प्याज चाहिए 2, और टमाटर मैंने काट के रख लिए, इमली मैंने भिगो के रख ली है, और लहसुन चाहिए हमें। और मैंने मसालों में लिया है ज़ीरा, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये 4 मसाले हमें चाहिए। चलिए बनाना इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी इसके लिए हमें प्रेशर कुकर में अपनी भीगी हुई दाल जो हमने भिगो के रखी थी 15 मिनट के लिए, वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, इमली डाल देंगे जो हमने भिगो के रखी थी, इमली का पानी भी इसमें आप डाल दीजिएगा, मैंने भी डाला है। फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज जो मीडियम साइज़ की 2 मैंने चॉप्ड करके रखी थी, थोड़ा सा लहसुन हम इसमें से डालेंगे और थोड़ा हम तड़के के लिए बचा के रखेंगे। फिर मसालों में जो कि मैंने कहा था हल्दी, धनिया, मिर्ची और ज़ीरा, 1 स्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। एक स्पून हम इसमें मिर्च पाउडर डाल देंगे, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा और उसमें डाल सकते हो। धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें डाल दिया मैंने, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, और इसमें नमक डाल के हम 3 से 4 सीटी आने देंगे। पानी भी डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा, जो दाल है हमारी वो गल जाए अच्छे से। इसके लिए हमें 4 सीटी कम से कम आने देना है। लीजिए, ये बन चुकी है। अब इसको हम अच्छे से मल लेंगे या घोट लेंगे, जो भी आप बोलते हो। इस तरह हम दाल घोटने से इसको अच्छे से मैश कर देंगे, देखिए इस तरह। फिर अभी क्या करना है आपको, सेंगर कुकर में डाल के नहीं गलाना है, वरना वो बहुत ज़्यादा गल के पूरे सालन में मिल जाती है, इसलिए मैंने तपेली में इसको डाल लिया है। और दाल को मैंने डाल दिया इस पर, और इसको मैं 5 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे रख दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है, और बीच बीच में आप इसको हिलाइएगा वरना दाल जो है नीचे बैठ जाती है तपेली में और फिर दाग पकड़ने लगती है। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अभी चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, आप ऑयल में भी इसको तड़का दे सकते हो, मैं घी में देती हूँ। मैंने ये होममेड घी लिया है, इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल दिया मैंने, राई 1 स्पून, थोड़ी सी कड़ी पत्ता मैंने डाला है इसमें, और फिर ज़ीरा डाल लिया है 1 स्पून मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स करें। और फिर ऑनियन डाल दीजिए, और जो बचा हुआ लहसुन है वो डाल दीजिए, फिर धनिया, और लास्ट में हम सूखी मिर्च डाल देंगे, जो बड़ी वाली रहती है, लाल वाली। बस ये तड़का हमारा भी बनके तैयार हो चुका है।
इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा ही डार्क करें। चलिए अब हम इसको डाल देंगे हमारे सालन में जो हमने बना के रखा है। तड़का डालने के बाद एकदम से आप मिक्स मत करिए, इसको थोड़ी देर ढक्कन ढक के रख दीजिए 5 मिनट के लिए और फिर आप ढक्कन हटा दीजिए। चलिए अभी इसको सर्विंग बोल में मैंने निकाल के धनिया से गार्निश करके रख दिया है। बनके तैयार हो चुकी है हमारी सेंगट वाली दाल या मसाला दाल आप कह सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।